भैया हमें नहीं चाहिए राम जैसा पति, हमारे लिए हमारा रावण ही ठीक है। पूछिए कैसे। चैनल पर प्रसारित व्यक्ति के दावे एवं वक्तव्य व्यक्ति के अपने विचार है। व्यक्ति द्वारा दिए गए वक्तव्य एवं दावों की पुष्टि A to Z UP खास YouTube चैनल नहीं करता। चैनल पर भारतीय संविधान के साथ साथ YouTube के नियमों का पालन किया जाता है। चैनल निष्पक्ष रूप से संविधान के दायरे में रहकर हर किसी को अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार प्रदान करता है। सावधान रहे, समझदार बने। बात सत्य है पर कड़वी है। रावण जो है हमको कम से कम जो है महिलाओं का इज्जत करना सिखाया, मान सम्मान करना सिखाया, और आपके राम क्या किए हैं? सिर्फ महिलाओं को मजबूर किया अग्नि परीक्षा देने के लिए, महिलाओं को उल्लंघन किए हैं। अरे आपके राम भगवान थे तो क्यों नहीं जान पाए कि सीता आप पवित्र हैं, अपने शक्ति से जान जाते, लेकिन नहीं, उनको तो वो सिर्फ अग्नि परीक्षा लेना था। और तो और एक धोबी के कहने पे उनको वन में भटकने के लिए छोड़ दिए। वो वन में अगर भटकी भी तो लौ और कुश के वजह से अगर आई तो जो है आपके राम जो है उनका अग्नि परीक्षा लिए, तो कैसे वो मान सम्मान और महिलाओं का इज्जत किए हैं। और तीसरी बात, आपके राम जो है चोर थे। पूछिए कैसे कि ये जब रावण को मारना हुआ तो विभीषण फूटा, तो ये जो है पीछे से वार किए हैं, सामने से वार नहीं किए हैं। और आपके अच्छे से पता होगा जो पीछे से वार करता है वो कायर कहलाता है, शेर जो है सीधे आगे से वार करता है, ठीक है। और तीसरी बात जो सबसे कड़वी है पर सत्य है कि रावण जो है सही किया था, वो भी कैसे। आप कहीं कभी यही भारत का ही नहीं, श्रीलंका का हर जगह का रामायण उठा के पढ़िएगा, कहीं प्रेम का है, कहीं रखेल है और कहीं वाइफ है, तो रावण कैसे गलत हुआ। अपने मान लीजिए आपकी सीता बेवफा थी, इसलिए जबरियन रावण को ले जाना पड़ा सीता को हर के। भैया मैं एक वीडियो बनाई थी जो बोली थी कि सीता जो है रावण की रखेल है, तो मैं ये खुद की बना के तो नहीं बोली, रामायण तो मैं लिखी नहीं, और कई भाषा में कई शब्दों में लिखा गया, श्रीलंका में कुछ और लिखा गया, भारत में कुछ और लिखा गया, नेपाल में कुछ और, तो क्या लिखने वाले हम है ये बताइए। हम बात बना के कर रहे हैं, तो एक कॉल आया था बोल रहे हैं कि हम थाने से बोल रहे हैं, भगवान राम पे कोई टिप्पणी की है। मैंने बोला हाँ भैया मेरा वीडियो उठा के देख सकते हैं, मैंने सच्चाई बताया। बोला कि अभी तुझे हम बताते हैं। हम कहा ठीक है बताइए, तो अगर थाने पे मेरे नाम से FIR हुआ है तो वारंट भेजें और मुझे गिरफ्तार करें। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं लड़ने वाली हूँ, और कभी भी कुछ भी हो जाए सर कटा लेंगे पर सर झुकाएंगे नहीं और संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे, जान लेना। और तुम लोग अंधविश्वासी सिर्फ भड़क सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। क्या संविधान को जो है आपका कानून झुठला सकता है? मैं दिखाती हूँ। दो नंबर से कॉल आया था, एक बोला कि आप संगीता जी बोल रही हैं, मैं प्रयागराज से बोला। मैंने बोला हाँ भैया, बोले आप कौन अधिकार दिया टिप्पणी करने? हम क्या अधिकार कोई नहीं दिया है, लेकिन आप बताइए संविधान को छेड़ने वाले आप लोग होते कौन है? संविधान को मिटाने तब गाली दरा कर हम लोग जला देंगे, तुम्हें उठवा लेंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारी माँ का मतलब उल्टा सीधा बहुत गाली दे रहा। दो नंबर है जो हम आपको दिखाते हैं, और नहीं तो हमें इस वीडियो पे सेंड कर देंगे नंबर। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे अम्बेडकर भाइयों, अगर आप सब बाबा साहब को मानते हैं सच्चे दिल से, संविधान को मानते हैं, तो मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। मैं जेल से नहीं डरती हूँ, आना मैं डरती हूँ।